हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तानी करेंसी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है और देश भारी नकदी संकट से जूझ रहा है। इसी बीच उसे एक और जोरदार झटका लगा है। दरअसल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी में जबरदस्त गिरावट आई है। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले ये 255 तक गिर गया है। पाकिस्तानी रुपया बीते 25 जनवरी को 230 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था, जबकि गुरुवार यानी कि 26 जनवरी को बाजार खुलने के साथ ही इसमें और गिरावट आती गई और डॉलर के मुकाबले ये 255 तक टूट गया। ये स्तर इसका सबसे लो लेवल है। पहले से ही उच्च महंगाई और नकदी संकट का सामना कर रहे हमारे पड़ोसी देश की करेंसी का बुरा हाल हो चुका है। बीते एक साल में पहले बाढ़ और फिर आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है। हर बीतते दिन के साथ पाकिस्तान में वित्तीय संकट यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे देशों और इंटरनेशनल एजेंसियों के आगे हाथ फैलाते पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से राहत पैकेज की अगली किश्त को लेकर उसकी कठिन शर्तों को मानने के लिए राजी है। इन संकटों का पाकिस्तान करेंसी पर बुरा असर हुआ है और इसे गिरावट का प्रमुख कारण माना जा रहा है। देखा जाए तो देश के खाली होते खजाने के बीच अर्थव्यवस्था को बचाने के उपाय के तहत कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक बयान में इस बात का जिक्र किया था कि उसकी सरकार रुके 6 अरब डॉलर के राहत पैकेज को बहाल करने के लिए IMF की कठिन शर्तों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान के ताजा हालात ऐसे बने हुए हैं कि वो कई देशों से आर्थिक मदद मांग रहा है, लेकिन कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए ABP Live।